है कोई जवाब थोड़े को रिजल्ट की आने टेट निकलते जाएंगे इनके रिएक्ट तुम आपने पसंद किया होगा ये नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैंने बहुत समय के बाद बैटरी डेड हो गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट शूट कर रही हूँ तो बैटरियाँ मुकदी जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ओके मैं कह रही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा समय के बाद आज मेकअप वीडियो शूट की है। मैंने 25 दिसंबर को लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे लगा कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। मैं मेरे घर को संभालती हूँ, मेरे बिज़नेस को संभालती हूँ और मेरे यूट्यूब को संभालती हूँ, और एवरी डे वीडियो शूट करना, एडिट करना बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। मैंने बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया था, सो मुझे लगा कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लगते हाथ मैं थोड़ी बीमार भी होगी। वो वैसे बीमारी मेरी इस ज़्यादा काम करने के साथ कनेक्टेड नहीं थी, आलतू फालतू सी चीज़ थी। वो आलतू फालतू नहीं है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी नहीं कर रहे हैं। सो वो भी आ गई लगते हाथ, सो वो मेरे 4-5 दिन हो गए ख़राब। वैसे मेरा इतना लंबी ब्रेक लेने का प्लान नहीं था। कितनी ब्रेक ली है मैंने, 5 दिन की। इतना चल रहा दोस्तों यार, क्योंकि एवरीडे अपलोड कर रही थी, इट्स ओके यार। सो अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरी कोशिश होने वाली है कि इस साल बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँ मैं, अगर रब ने मेहर की तो। एवरीडे करना चाहती हूँ मैं, ये पूरा साल एवरीडे कुछ ना कुछ तो मैं अपलोड करना चाहती हूँ। व्लॉग नहीं मैं एवरीडे कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉग करना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं सखी सहेली सेशन अपलोड करूँ, व्लॉग करूँ, मेकअप करूँ, ब्यूटी करूँ, फैशन, जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ वो मैं हर चीज़ करते जाऊँ। सो यस, ये काम करेंगे आज हम। और ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट की है, मुझे लगता है कि ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी होगी। अगर नहीं की होगी, अगर मुझसे नहीं वेट हो रही है कि मैं ये व्लॉग अपलोड करना चाहती हूँ पहले, तो यस ये लुक आने वाली है। ये मैंने यूट्यूब के लिए ही शूट की है। पास्ट में मैंने कोई पिंक सी लुक की थी, जो मेरे दोस्त यूट्यूब वाले कह रहे थे कि यार इद्दा मत करो, इंस्टाग्राम पे करते हो, यहाँ पे नहीं करते हो तो यहाँ पे कर दो। इसलिए फिर मैं एक्चुअली मैं ऐसे लुक क्रिएट नहीं करना चाहती थी, मैं ज़्यादा प्लम किस्म की करना चाहती थी, पर इतनी एंड अप हो गया। पता नहीं यार, ऐसे हो जाता है मेकअप की दुनिया में कि आप करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ हो कुछ और जाता है, पर अब उसी से खुश हो जाते हैं। सो यार ये है मुकदी स्टोरी मेरे मेकअप की। और अब क्या है कि मैंने व्लॉग करना क्यों शुरू किया है, क्योंकि मैं थोड़ा तैयार होके हील हुल पा के डांस स्टेज जाके मेरे पति की रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे मेकअप को, इतने ग्लैमरस मेकअप को कैसे रिएक्ट करते हैं। उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो बहुत चीज़ों को लेते हैं लाइक दस, और आज हम देखेंगे कि वो कुछ खास लेते हैं या नहीं। और मैंने अपने बालों को भी थोड़ा अच्छे ढंग से डिफरेंट बनाया है, क्योंकि यूजली मैं कुछ और ही करती हूँ, क्योंकि आज मेरे बाल पता नहीं अजीब हैं यार, आज मेरे बाल मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा तैयार होके डाउन स्टेज जाती हूँ और पति का रिएक्शन लेते हैं कि पति नो कोई फीलिंग आंदी है डिफरेंट। आई नीड हेल्प। रोटी बंद करानी है अपनी।
पजामा कुर्ता पजामा 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 दसो की दसो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी ये तुम्हारी आउटफिट बहुत ही कमाल लग रही है आज तुम तो शाह गए हो दुनिया में 2021 के आया तूने तो काया कलब ही कर दी काया कलब नहीं काया पलट होगी तेरी तो प्यारी हूं तो गई काम तो मेरी सांस क्यों रोक लिया मेरी सांस क्यों रुक रही है सांस सुन तेरी सांस सुन ली तो मुझे सांस आई मुझे सांस आई ये तो मैंने कभी देखे नहीं थे ये कितने के लिए बैठी रिएक्ट करो ऐसा लगन दिया कि मैं ना बिल्डिंग दी मालिक ना और तू ही चपरासी ते चपरासी ते मालकिन नु तरस आ गया कहंदी कि ओके आई विल मैरी यू लाइक ओ लाडले दे श्री देवी अनिल कपूर ना ने ब्याह कर लंदी जूनियर लीडर आप जूनियर लीडर लग रहे हो और मैं लगनी हूं श्री देवी मैं की लगन अनिल कपूर जूनियर लीडर नहीं हुंदा देखो यार मैं मुझे इसने बना दिया अनिल कपूर लोगों ने कहना तू बहुत हैगी है मैडम बनन दिया एडा प्यारा पति है गाइस मैं बहुत प्यारी मुझे इसमें कंपेयर करो रिएक्ट को जो हसीना दे ओके दोस्तों तो मैं आई हूं नीचे पति की रिएक्शन लेने के लिए पति की रिएक्शन बहुत ज्यादा फिक्की बेकार मजेदार नहीं थी मेरी आंखें चकाचौंध हो गई नहीं हुई कहंदे आ कि घर की मुर्गी दाल बराबर पति नु भावे मुर्गी कपड़े बलाती पा गया जे मुर्गी मसरा मुंगी लगती है जो मर्जी कर ले दाल लगती ये कहावतें बनी है इतने सालों से बनी है कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी पर गर्ल्स लिए तो उनका पति उन्होंने बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं हां मेरे लिए तो ये चांद के टुकड़े हो तन्ने ही शोले लगते नहीं कभी भी नहीं लगते पत्नियां जो अपनी पतियां लिए ऐडा कर दिया आओ मेरा पति हाय ऐडा ऐडा तू ही आपकी भी ये तकलीफ है तो मुझे बताना कि आपके पति भी आपको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं और आप अपने पति को चांदा टुकड़ा समझते हैं हम भी इनको ना गार्बेज बिन समझना शुरू कर समझो चांद का टुकड़ा समझिए प्यारी ये तो डिना प्यारा सानू शाही टुकड़ा समझो तू ही आए हां ने कुछ लेना देना ही नहीं पता की प्रॉब्लम है पतियां नु लगदा है कि ए ते मेरी पत्नी हैगी ए ते पई आए अरे जाना ही नहीं किथे ए रह यार नु किथे ना पा चलो उन्हें लगे कि हाथों निकलने लगी है फेर दोगे अब हाथ से निकल जाओ फिर प्यारी तू डरा डॉगी बन के इट्स टाइम टू गो आउट ऑफ हैंड ये प्यारी है You fail, Dad. आप लोगों को मैंने ऊपर ही बता दिया था पति की रिएक्शन कि मेरी आंखें खुल गई ऐसा करेगा ना Wow, you looking so pretty. दोस्तों ये बिल्कुल मुझे सिखाती नहीं है कैसे करना है क्योंकि दोस्तों हम लोग फेक नहीं है हम लोग रियल है मैं चाहती हूँ कि सच्चाई लोगों के सामने है और जब मेरे पति कहते हैं कि ऐदा क्या वो मैं जरूर अपलोड करती हूँ क्योंकि मुझे मजा आता पति का पर्दा फाश थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी चाहिए बंदे को दिस इज नॉट अ फिल्म दिस इज अ रियल लाइफ आहो तो ऐदा शौक भी नहीं ना करी था बंदे नु फिलहाल के लिए इतना ही असि थोड़ी देर बाद मिलते हैं पति तो सबक सिखा के और असि सबक ऑफ कैमरा सिखावांगे गाइस जस्ट अ मोमेंट वी नीड टू हाइड यू गाइस सो फुल ऑन तैयार होने के बाद मैं कुक करने वाली हूँ गाजर आलू और गाजर आलू बिना मटर के लगते हैं बेकार तड़का ऑलमोस्ट हो चुका है पहले मैं इसको कुकर में थोड़ा सा कुक कर लूँगी देन हम इसे निकाल लेंगे ताकि जल्दी कुक हो जाए मुझे बहुत भूख लग रही है और समय हुआ है 3:00 और मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है वीडियो की एडिटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है देयर इट इज
और दोस्तों, तो हमने लेट मील खा लिया था हमारा, गाजर मटर। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा अच्छा लगी सब्जी, इतनी अच्छी कि वो क्रेजी हो गए। हाँ, पहली बड़ी गाजर खाई है ना मैंने जिंदगी में। यार कुछ तो कहना ना, बता चढ़ा के की काम में मुर्गा। दोस्तों ओके काइंड थी। दोस्तों मेरे हस्बैंड को बहुत उम्दा लगी मेरी गाजर मटर, इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने मेरी और हिम्मत के हिस्से की रोटी भी छीन के खा ली। और दोस्तों एक्चुअली हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि डिनर आज वो हमें कुक करके बताएंगे, कुछ आई डोंट नो क्या कुक कर रहे हैं। वो चिकन की कोई डिश कुक करने वाले हैं। मैं आज गोरों जैसा चिकन बनाऊंगा, सॉल्ट पेपर कुक कुक दैट्स इट। तो फिर वो खाएंगे भी गोरे ही। गवानिया नो दे के आना फिर। नहीं तू सी खा ले, मैं खा लूंगा, मैं गोरों से कम। प्यारी तू तो फिर नया ही खाना लिया गल्ला कर लेना। ओके दोस्तों, तो हस्बैंड डिनर बनाना चाहते हैं, चिकन ब्रेस्ट वो थॉ करने के लिए रखी उन्होंने किचन में, पर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है क्योंकि हमने जो पहला मील खाया था बहुत ज्यादा लेट किया था। और मुझे उम्मीद थी कि हस्बैंड अच्छा रिएक्शन देंगे मेरी वीडियो का, इसीलिए मैंने आज ब्लॉग करना शुरू किया था। पर हस्बैंड की रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फुस थी दोस्तों, मजा नहीं आया। आप बताना कि आपको अच्छी लगी उनकी रिएक्शन या नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि पति हमेशा फुस रिएक्शन ही देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपके पति भी ऐसे ही हैं? मुझे लगता है कि 99% हिंदुस्तानी पति ऐसे ही होंगे। क्या ऐसे, क्या ऐसे ऐसे की पत्नियां पाई नहीं देंदे, अपनी हवा ची देंदे, चलता है ना। अब बताना कमेंट बार में इस पे चर्चा की जाएगी, पतियों की लापा करेंगे दोस्तों, सो खूब सारे कमेंट करना। ऑलराइट दोस्तों, सो ये वाले जो लुक की वीडियो है मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर ली है, अपलोड कर रही हूँ मैं। एंड इस साल मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वीडियोस करने वाली हूँ क्योंकि मेकअप मेरा पैशन है, मेकअप करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और आप भी, आपको भी मेरी मेकअप या फाउंडेशन वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। सो हम बहुत सारी मेकअप की वीडियोस करने वाले हैं, बहुत सारे सखी सहेली सेशन करने वाले हैं क्योंकि रोज़ाना ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छी टिप्स हो। आपको पता है कि मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रही हूँ, और जब मेरी वो वाली वीडियोस कोई देखते हैं आप लोग और मैसेजेस आते हैं कि आप भी सेम सिचुएशन से जा रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कोप कर रही हूँ, मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि या आउट देयर समवन है जो मुझे सुन रहा है। और जब मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और मैं किसी को सुनती हूँ और अगर उसकी बातें मेरे हार्ट को टच करती हैं या उसकी बातें मेरी सिचुएशन के साथ मैच करती हैं, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है ना कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। सो अगर मैं किसी के साथ ऐसा कनेक्शन पैदा कर पा रही हूँ या फिर ऐसा किसी के साथ हार्ट टू हार्ट मेरा है, तो इससे अच्छी फीलिंग कोई भी नहीं है। अगर आपको मेरी कोई भी बातें अच्छी लगती हैं या मेरी कोई भी बातों के साथ आप कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ सोल टू सोल कनेक्टेड हैं। या और अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है, कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, मेरे साथ करना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वीडियो में किसी खास चीज़ के बारे में बात करूँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी और को सुनना और कंफर्ट फील करना कि यार मैं अकेली नहीं हूँ इस प्रॉब्लम से गुजरने वाली। सो मैं भी वैसा माध्यम बनना चाहती हूँ यार कि आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। सो प्लीज़ कोई भी आपको चिंता विंता है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप, आई एम हियर। एंड अब मैं अपस्टेयर आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी एडिटिंग का काम फिनिश हो गया है। और आज मैं लाइक बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया है। पिछले कितने दिन से मैंने कुछ नहीं किया था, आज मैंने वीडियोस शूट की हैं और घर को भी संभाला है, कुक की भी किया है। सो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और अब मैं अपस्टेयर आई हूँ रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा। सो मैं लूँगी बाथ
बबल बाथ और थोड़ी सी फेशियल करूँगी, लाइक फेस मास्क लगाऊँगी क्ले वाला या फिर कुछ शीट मास्क लगा लूँगी. फिर मुझे ना मज़ेदार फील होता है, लाइक ऐसा लगता है कि मैंने अपने पे समय स्पेंड किया है तो मज़ा सा आता है मुझे. और अद्धी बॉडी अच्छा फील करना शुरू कर देती है, लाइक लगता है कि आप अपने लिए भी जी रहे हैं. सो अगर आप ऐसे नहीं करते तो ज़रूर से करें. और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा रिलैक्सिंग स्पा रूटीन क्या है, उसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं. लाइक मैं लाइक बाथ, फेशियल, मास्क, हेयर मसाजिंग ऐसे, या अगर आप ऐसी सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में. सो या मुझे एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है. बहुत सारी चीज़ों में मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, मेरी मसाज के लिए बालों में या बाथटब में. सो ऐसे या और इस नए साल में 2021 में हम चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा दिल से दिल का कनेक्शन बनाएं और बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी चीज़ें करें. और उसके लिए मुझे आप लोगों की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बार में मेरे साथ कनेक्ट करें, बातचीत करेंगे हम. और मेरी कोशिश होने वाली है कि इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स आने वाले हैं मैं हर एक का रिप्लाई करूँ. लाइक इस वीडियो को अपलोड करने के एक दो दिन तक मैं इसके नीचे आने वाले सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी. सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें. और अब मैं चिल करने वाली हूँ थोड़ा सा एंड आपको मिलूँगी मैं कल नए वीडियो के साथ. यस, सो एक्साइटेड. ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा ये. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा और बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा, क्योंकि ये जो कहानी है वो घर घर की है. ये बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल व्लॉग होने वाला है, कोई भी फेकनेस नहीं है. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं ऑनलाइन कि लगूगा बंदरों की यार मेरे ब्याह कोई प्रॉब्लम तो नहीं. फिर मैंने टेंशन मत लेना, सभी कैसे बुझाया कि हर लोग जो है वो फेक करते हैं, मैं तेरी एक्सपेक्टेशनों पे खड़ा नहीं उतर सकता. पास्ट में भी मैंने इस टॉपिक पे कई बार चर्चा की है, पतियों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखें. क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि पति आ नहीं कर दे, पति वो नहीं कर दे, तो इट्स ओके. पतियों से ज़्यादा उम्मीद मत रखें, आप उनको खुद से लव करते रहो. और नहीं कर दे उनकी करिए. सो ये आज मैंने आपको दिखा दिया. खिलाओ पिलाओ, रिजल्ट खुद आएंगे. रिजल्ट की अनटेड निकलते जाएंगे इनके पेट बाहर की तरफ आते जाएंगे. और ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, इनके टेट टोन की तरह बाहर बढ़ते जाते हैं. ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल को ज़रूर से क्लिक कर लें. क्योंकि अगर बेल क्लिक नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी. मैं मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज Think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. And I'm telling you guys, this year gonna be different. Yeah. Okay, dosto, you guys are beautiful the way you are. अगर पति आपको compliment नहीं देता, फिर भी अपने आप को beautifully समझे. है कोई जवाब तो देखो. कदे कदे बोल. किसी गल बारे भी जवाब दो. जवाब दिकादे बारे ते डगे ने जिदा हर एक जवाब कड़ कड़ के रखे दे. मेरे लो जवाब ही आ. बाय.